nothing can see from the computer, I can see instructions. थैंक यू सो मच. जी हाँ, ये हमारा सीजन 3 ऑफ द इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिस टीन इंडिया, मिस इंडिया और मिसेज इंडिया चल रहा है और बहुत खुशी है हम दोनों को एज डॉक्टर्स, एज पीपल हु हैव बीन इन द पब्लिक डोमेन. वी रियलाइज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज टूवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ऑफ इंडिविजुअल्स दैट नीड टू कम आउट ऑफ देयर कम्फर्ट जोन. And the beacons of hope, a lot of inspiration is required to be the role models that we are always looking for. And I think Dr. Swaroop aur maine jis platform ko itne pyar se banaya hai, kya keh sakte hain hum, that we are very excited ki aaj hame ye din dekhne ka mauka mila hai. जिस तरह से डॉक्टर अक्षता ने कहा है कि ये हमारा तीसरा सीजन है एंड द एक्सपीरियंस हैज बीन ब्रिलियंट यार, क्योंकि जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमको उतना सपोर्ट भी मिल रहा है, साथ भी मिल रहा है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है. जी हमें 4,500 एप्लीकेशंस आई थी सीजन 3 के लिए, जिसमें से शॉर्टलिस्ट, सिलेक्शन राउंड, फिल्ट्रेशन, ऑल द प्रोसेस के बाद हमने 100 को सिलेक्ट किया. 100 वेंट थ्रू द ऑडिशंस, द स्क्रीनिंग्स, और उसमें से टॉप 50, देन देयर वर अगेन स्क्रीनिंग्स, ऑडिशंस एंड फिल्ट्रेशंस. आज हमारे साथ टॉप 35 फाइनलिस्ट है ऑल ओवर इंडिया से, इन द 3 कैटेगरीज ऑफ मिस टीन इंडिया, मिस इंडिया एज वेल एज मिसेज इंडिया. हमने इंडिया में मिस इंडिया को बढ़ावा बहुत दिया है और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है जो मिस इंडिया को अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं. जब डॉक्टर स्वरूप और मैं ये प्लान कर रहे थे, हमने देखा कि देयर वाज अ लकुना इन द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ गिवन टू नॉट ओनली मिसेज इंडिया बट ऑल्सो मिस टीन इंडिया. हेंस वी क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म दैट केटर्स टू ऑल द 3 कैटेगरीज, मिस टीन इंडिया, मिस इंडिया एज वेल एज मिसेज इंडिया. पहले तो हम लोग ऑब्जेक्टिफाइंग वीमेन के अगेंस्ट है, तो कोई हाइट क्राइटेरिया नहीं है, वेट क्राइटेरिया नहीं है, एज क्राइटेरिया नहीं है. ज़्यादातर पैजेंट्स और ग्लैमर को यूजुअली ऑब्जेक्टिफिकेशन के हिसाब से देखा जाता है, तो वो हमारा बिल्कुल नहीं है और यही हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है. वेल, जैसे आपने अभी कहा, आगे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्टली वी आर ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स एंड आई वॉन्ट टू डिक्लेयर दैट वी आर नॉट जस्ट लुकिंग फॉर मॉडल्स बट वी आर लुकिंग फॉर रोल मॉडल्स. इसमें हमें कोई देयर इज नो डाउट इन दिस. और हमारी कंपनी का सेकेंड आर्म है TIGP Productions Private Limited, जहाँ पे हम मूवीज, म्यूजिक और मैजिक क्रिएट करने वाले हैं. प्लस हमने अपना नया लेबल लॉन्च किया है द रिसेंटली हेल्ड पेरिस फैशन वीक इन 2023. TIGP कोथवर एंड फैशन इज नाउ आवर ओन इन हाउस डिजाइनर लेबल विच विल बी शोकेस्ड इन मेनी मेनी इंटरनेशनल फैशन वीक्स. हमारा लॉन्च ऑलरेडी पेरिस फैशन वीक में हो चुका है. थैंक यू. आई विश ऑल ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट. हमारी देश भर से महिलाएं आई है एंड उनको सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ. एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ देम आर विनर्स इन देयर ओन राइट, बट टुडे वी आर गोना हैंड पिक अ फ्यू हु आर गोना टेक द क्राउन. सो या आई एम क्वाइट एक्साइटेड, आई होप यू गाइस आर टू. आप इस शो से जा चुकी है और एक शिखर पे आ चुकी हो, तो क्या I think ये सारी जो महिलाएं हैं, there are more than 100 of them this year who've gone through 9 months of training and come here. तो मैं जहाँ भी आज पहुँची हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि only hard work, dedication, honesty towards your work can get you where you want to go. जिस शिखर पे आपको पहुँचना है आप ज़रूर पहुँचेंगे और मेरे best wishes हमेशा आपके साथ हैं. और
आई थिंक ये जो हमने बनाया हुआ है ना, हाइट कितनी है, वेट कितना है, कितना फैट है, थिन है, इस सब को छोड़ छाड़ के एक अगर इंडिविजुअल पर्सनालिटी पर आप फोकस करेंगे जो ऑर्गेनाइजर्स कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज आई डोंट थिंक सेग्रीगेटिंग, क्योंकि कोई ज़्यादा पतला है तो कोई ज़्यादा यू नो खामियाँ निकालने से कोई किसी का कुछ होने नहीं वाला. So I think we need to be a little more inclusive, and I really want to congratulate the organizers for doing that. जी मैं judge करने वाली हूँ. I don't like that word judge because I wouldn't like people to judge me, so I don't want to judge people. But this is a contest, so there are a lot of things. Like I said, I'm looking for a personality to represent. You know, the Miss India, Miss Teen India, and Mrs. India. So it needs to be an overall package. And I'm really looking forward to seeing what girls have. जी रुस्लान अभी 26th अप्रैल को रिलीज हुई थी. उसके बाद एक और फिल्म आने वाली है थिएटर्स में. और उसके बाद देयर इज मिसमैच सीजन थ्री जो क्वाइट अवेटेड, सब लोग मुझे पूछते रहते हैं, तो मैं बता दूं कि मिसमैच सीजन थ्री शूट हो चुका है और शायद इस ईयर के एंड होने से पहले आ भी जाए. यस ऑफ कोर्स आई एम चूजी अबाउट व्हाट आई वांट टू डू. मुझे लगता है कि फ्रॉम व्हाटएवर आई गेट इट नीड्स टू टेक माय. सो द सिंपल थिंग इज जब मैं सेट पे जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो उस खुशी को बरकरार रखने के लिए मुझे वो करना है जो मुझे अच्छा लगता है, जिससे खुशी हो, जिससे मैं कुछ अलग हर वक्त हर हमेशा कर सकूँ. सो ऑल द रोल्स दैट आई एम प्लेइंग नाउ ऑन OTT एंड इवन इन फिल्म्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हर एक किरदार में इवन इफ सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर फ्रॉम से स्मॉल टाउन इंडिया, you'll never see the same Vidya again in a part. Something about it is different. Everything about it actually about her is different. Except ke jo mera soul hai wo usme hai Vidya. But for me it's important that I play different characters and I get excited about parts and characters and people who are making it. Thank you very much. And how you are associated with this event? So TIGP, I just got to know about TIGP through Instagram. My daughter is participating in this teen category and I'm overwhelmed by the kind of training they've given to all of the contestants. It's been an amazing journey for all the contestants and I hope all the good things will be there in their memory, and wishing them all the very best. Okay. Thank you. Everybody has put their best into this, so crossing our fingers, praying for everybody. Yeah. Thank you. Hi, मेरा नाम जीनत है, जीनत अंसारी. मैं हिबा शेख की मम्मी हूँ जो यहाँ मिस टीन इंडिया 2024 के लिए सिलेक्ट हुई है और मैं उसको सपोर्ट करने के लिए आई हूँ. मेरी डॉटर MUN के लिए जाती है और वहाँ TIGP की जो CEO उनसे उसकी मुलाकात हुई और उसके थ्रू वो यहाँ तक पहुँची है. TIGP जो है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टीनेजर्स के लिए, मिसेस इंडिया के लिए और मिस इंडिया के लिए. तो मैं सारे कंटेस्टेंट को ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ और थैंक यू वेरी मच. I can speak in English or in Hindi. Okay. Let me be very honest with you that I am very excited with TIGP for the simple reason that this is something which is unique, and for the Indian models, it's a gateway to the global world. You look at the models here, first time ever. TIGP has started doing something where we are producing global talent locally, and that gives me a lot of pride when I become a jury member and I'm evaluating
local talent, which is going to be for the global market, be it for London, Paris, Milan, and the likes. Absolutely, it's an amazing platform, because always when we used to have glamour shows, it was always for India and it was limited. Today, when we look at the newcomers, they've got a passport to reach the global arena, be a supermodel, and they take wings very quickly and their dreams come true to fly higher and higher. Couldn't be a better opportunity than this as a launching pad. Thank you so much. So hi everyone, I'm Dr. Aditi, born and brought up in the city of Greens, Mumbai. So as a doctor, we have been subjected to a lot of stereotypes that we are just confined to textbooks, and I've embarked upon this journey of pageantry because I want to prove that I am not just brains, I'm beauty with brains. Thank you. So TIGP एक ऐसा platform है जहाँ पे बहुत diversity है. Basically fashion world पे देखा जाता है कि सिर्फ tall, slender, पतली लड़कियों को importance दिया जाता है. But I've seen that TIGP is extremely inclusive. You have all body shapes, all body sizes, and from diverse backgrounds. So that's one thing that I love about TIGP. Thank you. City of Dreams, Mumbai. Currently working as a cabin crew with our national airline carrier. I am here to explore myself in this glamorous industry. Thank you. TIGP एक ऐसा platform है जहाँ पे हर लड़की को अपना dream chase करने का मौका मिल रहा है. Coming from a middle class background, मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है कि ग्लैमरस इंडस्ट्री कैसी है वो देखने का. सो थैंक्स टू TIGP, मुझे एक्चुअली ये इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है कि ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है. बस थैंक यू. सॉरी हाँ श्योर. हाय, माय नेम इज वैशाली शाह एंड आई एम कम्पीटिंग इन द मिसेस कैटेगरी एंड आई हैव पार्टिसिपेटेड अलॉट इन अलॉट ऑफ पैजेंट्स. आई हैव वन लाइक 10 टाइटल्स एंड क्राउन्स. बट व्हाट ब्रिंग्स मी टू TIGP इज दैट इट्स एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. आई थिंक इट्स द ओनली गेटवे टू गो इंटरनेशनल एंड इट्स डिफरेंट. इट्स नॉट अ पैजेंट लाइक यू पार्टिसिपेट इन 2 to 3 डेज एंड यू गेट इट ओवर विद. इट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव journey. We have been with TIGP for a year and we have undergone like a year long training, and it's very challenging. I mean, though there are contestants who are like, you know, participating for the first time, but we just saw the scores and they are so mixed. I mean, it's like anything can happen. Thank you. I'm Dr. Mithula Nair from Kerala. The capital city of Kerala, Trivandrum, is where I've been born and brought up. So I'm a contestant in the Mrs. category for the International Glamour Project Mrs. India 2024. So yes, I have come here to improve myself and to be the winner. Hi everyone, my name is Vaidehi Patil and I'm representing Jalgaon, Maharashtra on this International Glamour Project platform under the Mrs. category. And I'm a chartered accountant by profession. I'm also a classical dancer, trained classical dancer. I have been danced since 15 years. Thank you. Hi, I'm Dr. Seema Sute. I come from Khandwa, Madhya Pradesh. And TIGP is the international platform I want to explore. I had won many titles previously in Mrs. India competition. This is the platform where I am trying my opportunity to the international world. Thank you. तो सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस और उसके बाद TIGP के बारे में बताया. Hi, namaste. I'm Anaga Shivakumar. I'm coming from Ernakulam, Kerala.
and I'm currently working as a quality assurance trainee. And I'm participating for the Miss category. And TIGP is a great platform to be yourself and to contest yourself in a pageantry like this, where beauty is not treated from the outer appearance, rather it is participating and treating people on terms of their inner beauty. And so I'm here for it. Thank you. And then the first season of TIGP held in September 2021, and I won Mrs. India. I was crowned as Mrs. Cosmos India 2021, and later I represented India in USA Orlando in the month of June 2022, and there I bagged Mrs. Cosmos International as the first runner-up. My name is Shipra Singh, and I have participated in TIGP in 2023. And I was the second runner-up, and I got two subtitles, Mrs. Glamorous Goddess and Glamorous Face. And uske baad mujhe opportunity mili TIGP se international participate karne ke liye Mrs. Universe Philippines 2023 mein. And waha pe mujhe ye subtitle mila, Mrs. Universe Creativity 2023. And I must say that this platform is very unique, that each and every woman is coming out of their comfort zone and creating wonders in their life. And they're doing really great job. Dr. Akshita Prabhu is a great mentor. Main Philippines mein thi aur wahan pe 90 countries mein participate kiya tha. And I must say ki jo mentoring Dr. Akshita Prabhu ne di hai, that was really very different and unique. Jahan pe ki aap keh sakte ho ki you are different from the other participants. और आप कहीं stand करते हो, जब आप अपने India को represent करते हो international level पे, it's a proud moment. And I think that moment I have got from Mrs. Akshita Prabhu, and TIGP has given me that platform. So all thanks to TIGP, Dr. Akshita Prabhu and Dr. Swaroop sir. So that's it. I couldn't believe that I was in this modeling field. So thank you TIGP for making me the best over here. Thank you so much for TIGP giving my daughter so many opportunities. We never think in our dream also she can do modeling, but TIGP accepted her even her deformities. She is on hearing aid, but they said everyone is saying we want to give you our encouragement to come ahead, and then she represents the floor in the Paris Fashion Week also. So thank you so much for Tira, thank you so much TIGP, you rock. Parents of Ashika Vadhiri, TIGP ne jo chance mila hai Ashika ko, so uske liye TIGP ka thanks. Aur usne jo kiya hai, hard working jo kiya hai, without any support or without any background, wo aaj jo bhi activity ya jo bhi round usne kiye hai, वो खुद उसने खुद के कैपेबल जो भी है वो उसने खुद पे किए, और यहाँ पे आने के लिए उसे चांस देने के लिए टीआईजीपी का थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट ऑल कंटेस्टेंट्स. हेलो एवरीवन, माय नेम इज पावनी छाबरा एंड आई एम द विनर, सेकंड प्लेस विनर ऑफ इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिस टीन इंडिया 2021. टीआईजीपी हैज बीन लाइक अ फैमिली टू ऑल ऑफ अस, कैरीड अस अलोंग the way that we cannot even imagine, giving us opportunities at every step of the way. Picking me out as a 13-year-old from Dehradun and bringing me here on the big stage of Mumbai, and me sitting as a judge in one of the jury panels. It's been a dream come true for all of us. Being a part that I couldn't fly to US because of my visa issue, I was given opportunities even after shooting a music video with the one of the biggest music companies in India, and it was just magical. So thank you so much TIGP for
giving us the opportunities and tagging us along like a family. You are just the best. Thank you. Competition, and we are really excited to see how she performs, and we are here to encourage her. And participation is more than getting winning. So she has molded it for the past 3 months for this program, and we expect a lot from her, and we hope all the best. Thank you. I didn't come. Okay. So I'm here to support my sister, Kaina's mystery. She's one of the participants at the TGIP's. She's a finalist for the TIGP's competition in the Mrs. 50s. And she is amazing. We're so proud of her. She's done so well. And we're here to cheer her on and make sure she wins the crown. Yeah, my mom is participating, Kaina's mystery, and I'm really proud of her and hope she wins. Yeah, looking forward to Kaina's mystery winning, and just excited to be here to support her. Thank you.